ba? Exercise. कोई नहीं बना पे एक्स प्लस वाई का मान क्या है 5 2 है उसके बाद है आपको 0 9 इनको समीकरण एक मान लेते हैं उसके बाद एक्स माइनस वाई इनका मान है आपको 3 6 0 माइनस 1 ये कट गए या जी एक्स प्लस एक्स क्या हो गया टू एक्स संगत एलिमेंट को जोड़ो 5 3 क्या हो गया 8 0 जोड़ 0 क्या हो गया 0 6 2 क्या हो गया 8 और 9 में से गया 8 एक्स बराबर क्या होगा बोलो 2 इधर आकर भाग लग जाएगा ना 4 4 0 4 एक्स का मान निकल गया एक्स का मान समीकरण एक में रख के वाई का मान निकाल लोगे जी सर एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कोई वर्ग आव्यूह है कोई वर्ग आव्यूह है मान के चलिए कि ये कोई क्या है वर्ग आव्यूह है तो इसको एक सममित समझ गया और एक विषम सममित के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है समझ गया ना सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है तो कैसे लिखा जा सकता है तो आप जानते हो समझ गया अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स आपको ए है कोई मैट्रिक्स ए है कौन स्क्वायर मैट्रिक्स तो उनका जो होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है सिमेट्रिक ही होता है क्या होता है सिमेट्रिक यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज ए ही प्राप्त हो मतलब कोई ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज आपको क्या प्राप्त हो जाए ए ही प्राप्त हो जाए तो ए को हम क्या कहते हैं सिमेट्रिक कहते हैं और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके निगेटिव के बराबर प्राप्त हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं तो फॉर एनी मैट्रिक्स ए के लिए देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक ही होगा क्या होगा सिमेट्रिक ही होगा सममित ही होगा तो इनको हम मान लेते हैं बी क्या मान लेते हैं बी आप इतना नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है ये पहले का ही थ्योरम था तो आपको समझा दिए कि कैसे ये होता है अब देखिए तो ये तो हो गया आपको सिमेट्रिक हो गया ना तो ये मान किसका होता है सिमेट्रिक कंप्लीट हो गया अब देखिए फॉर एनी मैट्रिक्स के लिए तो सी बराबर हम मान लेते हैं लेट मतलब माना सी बराबर ए माइनस ए ट्रांसपोज ये आपको क्या होगा एस क्यू सिमेट्रिक होगा ये क्या होगा एस क्यू सिमेट्रिक होगा तो इनको हम क्या मान लेते हैं समीकरण दो इनको क्या मान लेते हैं समीकरण दो समीकरण एक और दो को जोड़ दो समीकरण एक और दो को क्या करोगे तो समीकरण एक इनको अब देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना ए प्लस ए ट्रांसपोज इनको हम क्या मान सकते हैं बी भी तो मान सकते हैं ना क्योंकि मान तो सेम आया है ना तो देखिए बी प्लस सी तो बी का मान क्या है ए प्लस ए ट्रांसपोज ये प्लस यहाँ पर आ गया सी का मान क्या है ए माइनस ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या हो गया खत्म हो गया ये जोड़ ए क्या हो गया टू ए इसलिए ए बराबर क्या होगा भाग लग जाएगा इन दो से बी सी हो गया ना वन बाई टू से एकदम गुना कर दिए अब देखिए वन बाय टू बी आ गया बी का मान ये हो गया प्लस ये हो गया ये वन बाय टू ये सी का मान हो गया किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम के व्युत्क्रम का यदि कोई वर्ग आव्यूह है ठीक है उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो वह जो व्युत्क्रम होता है वह क्या होता है अद्वितीय होता है यानी अकेला होता है समझ गया ना वह क्या होता है अकेला यानी किसी भी मैट्रिक्स मान के चलो कि ये कोई मैट्रिक्स है तो उनका जो है कि दो को व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा एक को व्युत्क्रम प्राप्त होगा समझ गया ना कोई मैट्रिक्स है उनका दो को व्युत्क्रम प्राप्त आपको नहीं होगा एक ही व्युत्क्रम प्राप्त होगा तो हम इनको प्रूफ करते हैं ये आपका प्रमेय है तो आपको लिखना है प्रूफ प्रूफ
लिखिए माना माना ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है पुनः मान लीजिए बी और सी इसके दो इनवर्स हैं, यानी व्युत्क्रम है। तो आपको अब दिखाना क्या है कि b बराबर c, क्या दिखाना है b बराबर c। अगर b और c आपस में बराबर हो जाएगा तब ना हम यूनिक कहेंगे जी। इसका अर्थ मतलब जो b का मान आया वही किसका मान आया, c का। तो इसका अर्थ है कि b जो है c जो है b से अलग नहीं है, b और c क्या है एक ही है, b और c क्या है एक ही है। अब लिखिए नीचे में या फॉर डेट भी कर दीजिए, फॉर डेट b बराबर c। अब यहाँ पर लिखना है व्हेन वहां नहीं लिखना है, नीचे में लिखो परवान में देखो, वहां पर तो सिर्फ भाषा ही चीज है कि बी और सी हम मानेंगे तब ना होगा जी बी बराबर सी। पहले हम माने हैं बी और सी, देखिए जब तक हम नहीं मानते हैं समझ गए, तब तक क्या करोगे परवान में इसको दो। ये जो है बैटरी का वो अलग चीज है, ये जो त्रिभुज में जो निकालता था पहले दिया है, उसके बाद सिद्ध करना है रचना परवान, इनको भूल जाओ, इंटर में है आया है, थोड़ा स्टैंडर्ड से सोचो, समझ गया। ये भूल गए इसलिए इंटर में आया। सो डेट बी बराबर क्या करना है सी, ये बी बराबर सी दिखाना है। ये नहीं भी एकदम लिखेगा तो चलेगा, क्योंकि अंतिम में जो बी बराबर सी आया है इनको जो एकदम बराबर कर देगा तो अपने आप वो क्या होगा अद्वितीय हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो ये हो चुका है, अब लिखिए व्हेन B is the inverse of A। जब B A का क्या हो इनवर्स हो, B का B जो हो A का क्या हो इनवर्स हो, तो आप बोलिए AB बराबर BA बराबर क्या होगा I, AB बराबर BA बराबर क्या होगा I। इनको समीकरण एक मान लो, क्यों होगा I, क्योंकि होता है कि देखो ये है मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स, उनका इनवर्स यस है, ये मैट्रिक्स है उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई क्या होता है वो आई होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं प्राप्त होता है क्या, वन नहीं प्राप्त होता है। सिंपल सोचो जो अभी तक सोचते आया, वन माइनस वन आधार सेम हो तो पावर टूट जाता है, ये पावर जीरो, उनका मान एक। तो देखो B क्या है A का इनवर्स न है, यानी B जो है ये इनवर्स है, B क्या है इनवर्स, इनवर्स को पहले गुना करो कि बाद में गुना करो, उनका मान क्या होगा होगा ना जी। तो ए बी अब बराबर बी ए बराबर क्या हो गया आई। अब देखो व्हेन C क्या हो, C इज द इनवर्स ऑफ ए, तो बोलो ए सी सी ए बराबर क्या होगा आई। ये समीकरण आपको क्या हो गया दो, ये आपको समीकरण क्या हो गया दो, दो।
नाउ अब देखिए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी गुना एक क्या लिख सकते हैं, बी गुना एक नहीं लिख सकते हैं, बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी आई लिख सकते हैं ना, आई मतलब समझो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर होता है। अब देखिए आई का मान आपको क्या सब चीज है, आई का मान तो आपको बी ए भी है, ए बी भी है, तो देखिए यहाँ पर बी आ चुका है लेकिन यहाँ पर लाना क्या है, सी लाना है, सी ए न लाना है, ये यहाँ पर आपको सी लाना है, तो अब आई का मान जो है सी वाले में से रखना है, तो रखिए आई ये बी हो गया, आई का मान क्या है, ये सी है ना, ये सी है, तो यहाँ पर रख दीजिए ये सी रख दिए। अब बी बराबर आपको ए और सी को साथ लीजिए, ये बी ए हो गया जी, बी और ए को हम क्या कर किए हैं, साथ लिए हैं, तो कैसे साथ हो गया, किस लॉ से, क्या किस लॉ से साथ हो गया है, कम्यूटेटिव, तीन गो एलिमेंट दो गो कम्यूटेटिव, अच्छा समझ गया, तीन गो एलिमेंट क्या होता है, एसोसिएटिव, किस लॉ से हो गया है, साचर या नियम, किस नियम से, साचर। अब बी ए का मान क्या है बोलो तो, समीकरण एक से आई, तो बी ए की जगह क्या रख सकते हो, आई आई एक गुना से क्या हो गया, वही प्रूव हो गया। देखिए थ्योरम लिखिए, यदि ए और बी समान कोटि के, यदि ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, तो देखो ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, अप्रूव। प्रूफ में देखो अभी आपने क्या देखा, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ गुना करो तो कौन मैट्रिक्स प्राप्त होता है, पूर्व मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अच्छा। इसी मैट्रिक्स को अच्छा उसके इनवर्स के साथ, इनवर्स के साथ करें गुना किया जाए तो कौन मैट्रिक्स प्राप्त होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो चलिए ये यहाँ पर आप ये भी इनवर्स लिख दीजिए, लिख दिए, यहाँ पर ए बी से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, आई आई होगा कि नहीं होगा, अच्छा ए इनवर्स ए का मान क्या होगा, ए इनवर्स ए का मान क्या होगा, आई। यहाँ पर लिख देना चूंकि इनवर्स ए बराबर आई, ये होता है, अब आई से गुणा करेगा उतना ही होगा, अब देखो यहाँ पर ए बी का होल इनवर्स है ना, कमी किस चीज की है, यहाँ पर क्या एक चीज एक्स्ट्रा आ रहा है, और यहाँ किस चीज की कमी है, बी की, बी इनवर्स में आ जाए, देखो यहाँ पर किस क्या है, बी इनवर्स है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अब इनवर्स एकदम साधारण दिमाग लगाएगा फिर भी एकदम सोचेगा कि दोनों तरफ हम क्या गुना कर सकते हैं, नियम है ना, दोनों तरफ समान संख्या गुना कर सकते हैं, ये यहाँ पर हम बी इनवर्स से गुना कर देते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स,
बी इनवर्स बी का मान क्या होगा, आई ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या हो गया बी इनवर्स और ए इनवर्स। आई मतलब क्या हो गया एक, तो ए बी का क्या होगा होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन ए बराबर 101 0 1 2 0 0 4, सो डेट डिटर्मिनेंट 3A बराबर 27 डिटर्मिनेंट ए। तो पहले देखो ये क्या है 3A है ना, ये क्या है 3A है, तो पहले तो आप 3A निकालो, 3A निकालेगा तो 3 से सब एलिमेंट में गुना हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12, इनका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट तो इनका सारणिक मान क्या होगा। अगर इसके अनुदिश प्रसरण करने पर आपको लाभ होगा फर्स्ट कॉलम के अनुदिश प्रसरण कीजिए या थर्ड रो के अनुदिश प्रसरण कीजिए। ये तीन लेते हैं, तीन का स्थान पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, ये खत्म ये खत्म, तो 12 3 36 कितना हो गया 108 समीकरण एक। फिर देखो ये क्या है डिटर्मिनेंट ए, ये क्या है तो आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना है। अब ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, ये एक लिया ये खत्म ये खत्म, चार का चार होगा माइनस जीरो, चार हो गया ना, 27 से इसमें गुना करो 27 डिटर्मिनेंट ए, 27 गुना 4 108 समीकरण 2 इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए ये डिटर्मिनेंट 3A बराबर क्या होगा 27 डिटर्मिनेंट ए प्रूव।